एंड वेलकम फ्रॉम इकबाल एंड रिशवा सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है डिफरेंस बिटवीन द एमओयू एंड एग्रीमेंट। एमओयू और एग्रीमेंट में क्या फर्क है? बहुत से कोई बिजनेस के डीलिंग में समटाइम एमओयू तैयार किया जाता है और समटाइम एग्रीमेंट बनाया जाता है। आज हम देखते हैं एमओयू और एग्रीमेंट में क्या फर्क है। देखिए, लीगल ट्रांजेक्शन के लिए, लीगल बिजनेस के लिए, कारोबार के लिए समटाइम एक दो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तो एग्रीमेंट होता है और दूसरा जो होता है वो एमओयू होता है। देखिए, एग्रीमेंट से मुराद पार्टियों के दरमियान वो मुआहदा होता है जो आम तौर पर निगोशिएटेड होता है और पार्टियों पर बाइंडिंग होता है, उसको कहा जाता है कहा जाएगा एग्रीमेंट। अगर एमओयू की बात करते हैं, एमओयू एक ऐसा मुआहदा होता है जो लीगली कंपिटेंट पार्टियों के दरमियान होता है, जो कि नॉन बाइंडिंग होता है, जो कि दो पार्टियों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग की एक डिस्क्रिप्शन होती है जिसमें जरूरियात और जिम्मेदारियों शामिल होती है, उसमें तायुन किया जाता है, उसको कहा जाता है एमओयू। यानी एमओयू वो होता है जो नॉन बाइंडिंग होता है, एग्रीमेंट होता है बाइंडिंग होता है। ये एक दोनों एक लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, याद रखें, चाहे एमओयू है चाहे एग्रीमेंट है, दोनों एक लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो एक दूसरे से कंफ्यूज होते हैं। अब इसमें कुछ फैक्ट्स होते हैं, अब कुछ इसमें सिमिलैरिटीज हैं और कुछ इसमें डिफरेंस है। आज हम देखते हैं उसमें कौन सी सिमिलैरिटीज हैं एमओयू और एग्रीमेंट में और कौन सी उसमें जो डिफरेंस है। अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं, देखते हैं इसको इनका। देखें, एग्रीमेंट किसे कहते हैं? एग्रीमेंट दो पार्टियों के दरमियान कॉमन मकसद के लिए किसी काम के लिए रजामंद होने का जो डॉक्यूमेंट होता है उसको एग्रीमेंट कहते हैं। एमओयू एक ये भी एक लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है जो दो पार्टियों के दौरान बायलेटरल और मल्टीलेटरल एक बायलेटरल या फिर मल्टीलेटरल एक एग्रीमेंट होता है जिसमें मुआहदा की टर्म्स दर्ज होती हैं, जिसमें जरूरियात और जिम्मेदारियां शामिल होती हैं। ये तो डिफाइन हो गया, उसको एमओयू कहते हैं। अब एग्रीमेंट में ऑफर और एक्सेप्टेंस होती है, जबकि एमओयू में ऑफर इसमें ऑफर एक्सेप्टेंस इंटेंशन और कंसिडरेशन होती है। एग्रीमेंट में ये जो एग्रीमेंट होता है ये मुआहदा पार्टी पर बाइंडिंग होता है। एमओयू की अगर बात करते हैं ये पार्टी पर बाइंडिंग है। अगर एमओयू मॉनेटरी कंसिडरेशन के लिए दस्तखत होते तो बाइंडिंग है, अदरवाइज ये नॉन बाइंडिंग है। एग्रीमेंट जो होता है ये कोलैटरल किस्म का होता है, जबकि एमओयू कोलैटरल नहीं होता। एग्रीमेंट जो होता है तहरीरी और जबानी दोनों हो सकता है, जबकि एमओयू जो होता है ये रिटन होना, तहरीरी होना जरूरी है। अगर हम इसमें कुछ सिमिलैरिटीज की बात करते हैं, इन दोनों में सिमिलैरिटीज अगर देखते हैं, देखिए दोनों में ऑफर एक्सेप्टेंस होती है, चाहे वो एग्रीमेंट है चाहे एमओयू है। दूसरी इसमें सिमिलैरिटी ये होती है कि ये दो या दो से ज्यादा पार्टियों के दरमियान होता है दोनों, चाहे वो एमओयू हो चाहे फिर एग्रीमेंट हो। तीसरी इसमें सिमिलैरिटी ये होती है, पार्टियां एक जैसी चीज पर सेम मैनर में मुतफिक होती है, चाहे वो एमओयू हो चाहे वो एग्रीमेंट। इसके अलावा एक सिमिलैरिटी ये भी है, एग्रीमेंट और एमओयू में पार्टियां जो होती हैं उसमें उनका कॉमन मकसद होता है, चाहे वो एग्रीमेंट है चाहे वो एमओयू है। यानी कॉमन मकसद के लिए जमा होती है दोनों चीजों में, चाहे एग्रीमेंट है चाहे एमओयू है। इसमें थोड़ी सी डिफरेंसेस हैं जो हमने बताई, बाकी ज्यादातर सिमिलैरिटीज हैं एग्रीमेंट और एमओयू में। यह था हमारा आज का लीगल लेक्चर, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन एमओयू एंड एग्रीमेंट। इसके साथ हमें मोहम्मद इकबाल खान को इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे। अपना और अपने गिरदनवर का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।